जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। रिपोर्ट में क्या लिखा है? पता नहीं, पढ़ा नहीं, जब पढ़ूंगी तो बता दूंगी। आप वहाँ चक्कर आने का नाटक कर रही थी ना? अगर मैं ना कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि आप झूठ बोल रही हैं। और अगर आपने हाँ भी कहा तो फिर मैं कहूँगी कि आप कुछ छुपा रही हैं। पर इट्स ओके, डजंट मैटर, क्योंकि मुझे पता है जो आप छुपा रही हैं वो मैं पहले से जानती हूँ। देखो प्राची, मैं ये कहूँ वो कहूँ फायदा तो कोई है नहीं, क्योंकि तुम्हें मेरी बात तो सुननी नहीं है। तो प्लीज, ये बात करने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, एक बात बता देती हूँ, अगली बार कोई आदमी जा रहा हो ना तो उसे पीठ पीछे आवाज मत देना, और अगर बात रेलिवेंट या सेंसिबल ना हो तो उसे फेस टू फेस लेक्चर मत देना। मुझे रिया का सच पता है। आप रिपोर्ट छुपा सच को नहीं। आपको रिपोर्ट छुपाना है आप छुपाइए, जलाना है जला दीजिए, फेंकना है फेंक दीजिए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है उस रिपोर्ट में क्या है। और वो रिपोर्ट मुझे फैमिली को दिखाने के लिए चाहिए थी, सबूत के तौर पे चाहिए थी। क्या सबूत? और क्या पता है तुम्हें? हाँ, यही कि रिया प्रेग्नेंट नहीं है। नहीं, फिर से वही बात। हाँ, मेरे सामने कह दिया, फैमिली वालों के सामने मत कहना, सुनाएंगे तुम्हें, क्योंकि सबको पता है कि तुम्हें रिया से प्रॉब्लम है। चलती हो तुम रिया से, और ये रिया प्रेग्नेंट नहीं है नहीं है, खुद के दिल को बहलाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन सबको सुनाने के लिए नहीं। मत बोला करो, ये बात तुम्हारे लिए अच्छी होगी। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं आप रहने दीजिए, आप इतना टेंशन मत लीजिए, आप रिया का टेंशन लीजिए, क्योंकि उससे आपकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रही, जो देखा है जो सुना है वही बता रही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रिया का मन कर रहा था पपाया खाने का, ढेर सारा पपाया उसने मंगवाया था, और तो और अपने लिए डीप टिश्यू मसाज भी बुक कर रही। वो मसाज मेरे लिए था? वो तो बाद में ना पूछी, उसे डर लग गया कि कहीं मुझे सच पता ना चल जाए, इसलिए बहुत स्मार्टली उसने वो बुकिंग आपके नाम पे करा दी। मेरा कोई भी शक बेबुनियाद नहीं है, मुझे पता है सच क्या है, मुझे पता है रिया इज नॉट प्रेग्नेंट। तुम ना अपने दिमाग का टेस्ट कराओ। रिया की प्रेगनेंसी के टेस्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, फिर हम तुम्हारे मेंटल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। बात तो रिया की ही होगी, आपको उसकी रिपोर्ट से इतना प्यार है ना, कोई बात नहीं, आप वो रिपोर्ट अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। आपको रिपोर्ट जलानी है जला दीजिए, क्योंकि जो ओरिजिनल रिपोर्ट है ना वो डॉक्टर प्रीति के कंप्यूटर में है, और बहुत जल्द वो भेजने भी वाली है। फिर सच क्या है सबको पता चल ही जाएगा, फिर वही बात हो जाएगी ना, पूरे काम का बुरा नतीजा। उसके बाद आप प्लीज कोशिश करिएगा किसी के पीठ पे खंजर मत मारिएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।